क्या हो रहा है इस बाइक? अरे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गजरा ट्रेस डिजाइन। आज हम जा रहे हैं बाहर, आउट ऑफ मुंबई, मुंबई टू अजमेर। तो आज हम उसका ब्लॉग बताने वाले हैं आपको। हम आपको हमारी पूरी जर्नी बताएंगे। देखिए, बस अब हम घर से निकलने वाले फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, बहुत मजा आने वाला है। आज हम आपको किसी भी ड्रेस की डिजाइन नहीं दिखाने वाले फ्रेंड्स, तो हम आपको अपनी पूरी जर्नी दिखाने वाले हैं। अली इज माई सन, इज माई शी इज माई डॉटर मरियम। चलिए मिलते हैं, अब हम घर से निकलते हैं। गाइस, हम स्टेशन पे आ चुके हैं। देखिए गाइस, हम ट्रेन के अंदर आ चुके हैं। ये हमारी ट्रेन है, फुली एसी ट्रेन है। बच्चे लोग ट्रेन में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे लोग आप क्या कर रहे हो? हम दोनों मिलकर ड्राइंग कर रहे हैं। चलो, ये भी एंजॉयमेंट का तरीका अच्छा है, इससे बच्चे लोग बोर नहीं होते हैं और इनकी स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। तो इस तरह से सुबह हो चुकी है गाइस, हम अजमेर पहुंचने वाले हैं। इस्माइल उठो, धूप निकल आई है, कर्टन लगा लो, वाटर बॉटल सेट कर दो जरा। काफ़ी सारी फैसिलिटी है गाइस यहाँ पर। ऐसे तो मैं होटल में के रूम में एंटर हो रहे हैं। बच्चों को रूम काफ़ी पसंद आया है फ्रेंड्स। फ्रिज है, वाटर बॉटल्स इनसाइड है, कबर्ड से है, टीवी भी है फ्रेंड्स यहाँ पे। चाय के लिए भी है। बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड हैं। बच्चे लोग को रूम बहुत ज़्यादा पसंद आया है, दे आर वेरी हैप्पी। शाही कुर्सी, ऑफकोर्स बेड छोटा है तो बच्चे लोग के लिए एक मैट्रेस लगानी पड़ेगी साइड में। स्माइल, ओपन द कर्टन। तो और यहाँ पर मार्केट में बहुत बढ़िया प्यारा फूलों का मार्केट है, बहुत ही सुंदर लगता है। इस्माइल, ऐसा क्यों लेकर बैठे हो आप? मुझे इससे कुछ काटना है। ओहो, कुछ कट करना है। अच्छा, आपको टास्क देते हैं। क्या? आप ऐसा करें, ये ऑनियन हमें इसे कट करके बताएं। देखिए गाइस, देखिए गाइस, क्या इस्माइल इसको कट कर सकते हैं इससे? देखिए इस्माइल, टास्क है, अगर आपने ये कट कर दिया तो आपको, अरे वाह। देखिए गाइस, इन्होंने इससे ऑनियन को कट कर दिया, देखिए बढ़िया। चलिए, आपका इनका इस्तेमाल भी हो गया। काफ़ी भूख लग रही है बच्चे लोगों को, बट खाना अभी तक हमने ऑर्डर किया, अभी तक आना है आया नहीं। हमने ऑर्डर देखे, 2 मिनट ही हो गया, 5 मिनट भी नहीं। गाइस, अब हम रेडी हो गए हैं अजमेर घूमने के लिए, तब हम निकलते हैं अजमेर घूमने। बच्चों रेडी हो? यस। चलिए गाइस, हम लोग निकलते हैं अजमेर के लिए। गाइस, हम मार्केट में आए हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। भाई, यू वांट टू लाइक दिस? मरियम को धूप लग रही है, मरियम परेशान हो रही है धूप की वजह से। देखिए गाइस, हम अजमेर की दरगाह शरीफ पे आ चुके हैं और यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा पब्लिक है। और ये एक कुंड है जिसके अंदर यहाँ की न्याज बनती है। बच्चे लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, खासकर मरियम भीड़ से बहुत घबराती है। यहाँ पर आपको जो भी डोनेट करना है आप कर सकते हो, खाने की चीज़ें या फिर रुपीस वगैरह। देखिए, यहाँ पर चोरी का बहुत ज़्यादा डर है, इसलिए आप लोग आए तो बहुत ध्यान रखें फ्रेंड्स। डोंट, मरियम बहुत घबरा रही है। मरियम चलो उतरो, चलो। गाइस, ये अजमेर की मंदिर का, यहाँ पर हम आए हैं, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, अंदर नहीं जा पाएंगे।
बाहर से देखते हम चले जाएंगे। बच्चे लोग यहाँ से कुछ शॉपिंग कर रहे हैं अपने कजन्स के लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए। मेरी किसके लिए ले रहे हो? साया के लिए। और इस्माइल आप किसके लिए ले रहे हो? अहमद भाई का, आयमन के लिए। ओके ओके, चलो देखते हैं फिलहाल यहाँ पे क्या क्या है इन लोगों के लिए। काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम्स हैं बच्चे लोग के लिए। पेन भी, तलवार वाली। देखते हैं यहाँ के अजमेर के फेमस स्वीट्स हैं, हमने ये लिया है। आप यहाँ आए तो यह ज़रूर लें। इसके बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पर, देखिए आपको हर छोटे दूर पे इसकी शॉप मिल जाएगी। मरियम क्या है वो? उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू एंड हाफ डे हट। ये मरियम ने उसका नाम रखा है। आज मेरे जो ढाई दिन का झोपड़ा है गाइस, ये ढाई दिन में कंप्लीट हुआ है, सब बोलते हैं सब। देखिए हम लोग यहाँ आए, सब लोग थक गए हैं, इसके लिए बैठे हैं। मरियम इतना थक गई थी जो इस तरह के बाद उसको एनर्जी आई है और वो अब रेडी है आगे जाने को, है ना मरियम? रेडी हो आप? करके दिखाएंगे। यस, हाय बाय। तुम नहीं चल रहे हमारे साथ? क्यों? ये सब देखने में मुझे इंटरेस्ट नहीं। ताजमहल देखने में इंटरेस्ट? ये ढाई दिन का झोपड़ा देखने में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं। ओहो, तो फिर आप सामान लेकर इधर ही बैठ रहे हो, हम लोग जाएं? ठीक है, आप ध्यान रखो कोई चुरा के नहीं ले जाए आपको। ले जाएगा कोई चुरा के आपको? इसमें वो उठा भी नहीं पाएगा। अच्छा, चलो गाइस, चलो मरियम हम चलते हैं। टू एंड हाफ डेज हट, हट देखने चलते हैं। चलो फ्रेंड्स, ये हम इस तरह से ओपन ऑटो में बैठे हैं, ये बैटरी से चलती है और अजमेर में इसे बैठ के घूमने का मज़ा ही अलग है। और ये ज़्यादा क्राउड वाली जगह पे भी जा सकती है आसानी से, तो आप यहाँ आए तो इसमें ज़रूर बैठें। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अना लेक पे, इसको अना सागर भी बोलते हैं अजमेर में। ये इवनिंग का टाइम है। इस्माइल, इस्माइल की एक कमाल की चीज़ है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये स्पेलिंग्स बहुत जल्दी पकड़ता है और इसका जो है स्पेलिंग मेकिंग बहुत बढ़िया है। तो इसने यहाँ पर ये देखा है कि ये जो स्पेलिंग पर पर्सन की है वो गलत लिखी है, तो इसने देखिए कितनी बारीक चीज़ नोटिस किया है। यहाँ पर बोल रहा है मुझसे कि यहाँ पर पी ई आर आना चाहिए मम्मी, ये रॉन्ग है। कह रहा है स्पेलिंग रॉन्ग लिखी लेकिन पैसा ज़्यादा लगा है। तो ये इसकी कमाल की चीज़ है। कैसा लग रहा है यहाँ? मरियम दिन में बहुत घबरा रही थी, है ना, धूप और गर्मी से। और यहाँ पर इसको अच्छा लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अना लेक पे जो है अभी लाइट स्टार्ट हो गई है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ना मरियम? देखिए अब हम पूरा ये रोड चलते चलते हम वहाँ जाएंगे। आगे लाइट शो होता है, लाइट शो होता है, पता नहीं होता है कि नहीं होता है। देखिए हमको बोल रहा था ड्राइवर, ड्राइवर बोल रहा था कि वहाँ होता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं वहाँ पे लाइट शो होता है कि नहीं होता है। ये इस्माइल के फ्रेंड्स है ना, आपको पसंद है ये एनिमल? ओहो, देखो आप इस्माइल, ये कौन है, ये किसका बेस्ट फ्रेंड है? ओ माय, अरे 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 लड़ो नहीं। ये बोले किसका? मंकी, मंकी जैसी हरकत दोनों नहीं करो, दोनों का फ्रेंड है, सबका फ्रेंड है वो। मरियम के साथ मस्ती कर रहा है इस्माइल। मरियम क्या हो रहा है इस्माइल? अरे चलो बच्चे लोग की मस्ती चलती रहेगी, बच्चे लोग को यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिन भर से।
हम डायनासोर को रोकने की कोशिश कर रही है और इस्माइल है जो उसको मूव कर रहा है। देखिए प्यार से मरियम, वो चल पड़ेगा, मरियम वो चल पड़ेगा। चलिए बच्चों का एंजॉयमेंट चलता रहेगा। देखिए गाइस, हम लोग अब डिनर के लिए आए हैं और ये पूरा हमको जो है टूर की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें पूरा मेन्यू कार्ड आपको दे दिया है, आप जो भी चाहें ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए गाइस, हमने यहाँ से कीमती पनीर ऑर्डर किया है। बच्चे लोग कैसा है? बहुत अच्छा है। ये पनीर कीमची है, यहाँ की स्पेशलिटी है इस होटल की। और बाकी ऑर्डर अब आ रहा है धीरे धीरे। और ये हमारा नरगिस कोफ्ता, बहुत टेस्टी माशाल्लाह, लच्छा पराठा, बिरयानी। तो अभी तक ये हैदराबादी पर्दा बिरयानी, इसके ऊपर पूरी लेयर लगी है। ये लेयर आप हटाएंगे इस तरह से फ्रेंड्स, तो ये कुछ इस तरह से है। अब हम इसको बिरयानी दिख तो काफ़ी अच्छी रही है माशाल्लाह। ये स्माइल, लव स्माइल। ये लो, टेस्ट करके बताओ कैसी। मरियम क्या कर रहे हो, हैंड वॉश कर रहे हो? गर्म पानी में लेमन है बट मरियम गर्म पानी में हाथ नहीं डाल पा रही। हाँ मरियम, ज़्यादा गर्म लग रहा है। हाँ मरियम, इस बार क्या करो, नींबू पानी बना के पी रहे हो? गर्म पानी में हाथ नहीं डाल पा रही। देखिए इस्माइल का ना फेवरेट काम हो रहा है, खाने के बाद जो सॉफ्ट रहती है ना, वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इस्माइल इस्माइल बस ऑलरेडी पेट भर चुके ना, सारे एक ले लिया हमने, सारे मिक्स कर लिए उसने। मेरी, यू वांट? नो। ओके, मेरी ने ऑलरेडी खाना बहुत खा लिया, इसके लिए वो नहीं टेस्ट करना चाह रही, वरना वो भी पीछे नहीं रहती इन सब चीज़ों से। हमने खाना खाया तो खाने के साथ साथ ही देखिए इसने ये क्या किया है। स्टार्टिंग में पनीर किमची खाया था ना फ्रेंड, तो इसने ना उस किमची को अंदर गिर गया। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए, ये पनीर किमची इसके साथ में चल रहा था अंदर की तरफ, पूरा ड्रेस गंदा किया है मरियम। देखिए ऐसे खाना खाती है मरियम। मरियम आपने क्या खरीदा है? बताइए आपकी डायरी वाली किचन। वाह वेरी नाइस, बहुत ब्यूटीफुल लग रही फ्रेंड्स। ये देखिए, ये कुछ इस टाइप से है। देखिए फ्रेंड्स ये, और ये बहुत सुंदर है, तो ये गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए और अंदर से इसमें इस तरह से पेपर है। मरियम को ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत पसंद है ना मरियम? और इस्माइल आपने क्या खरीदा है? मुझे पेन कलेक्शन बहुत पसंद है, मैंने यहाँ पे अजमेर में बहुत सारी वैरायटी के पेन खरीदे, आपको एक एक करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ये बंदूक वाली पेन, इसको ऐसे खोलते हैं फिर ऐसे लिखने का होता है। समझो कभी आपका भाई और बहन आपको बहुत परेशान करे, सिंपली आपको ये बंदूक लेना है और उसके सर पे रखना है और शूट कर देना है। गुड आइडिया, गुड आइडिया। और ये इंजेक्शन वाली पेन, ये तो मेरी बहुत फेवरेट पेन है। इसका ओपन करने का स्टाइल कितना अच्छा है, ऐसे करो तो ओपन होती है और यहाँ पे एक बटन है, इसको दबाने से बंद। सर जब किसी को तबीयत खराब हो गई तो ये इंजेक्शन लेने का, सीधा उसको चुबा देने का। ये आप सारे के सारे मरियम पे ट्राई करने वाले हो ना? हाँ मरियम, संभाल के रहना पड़ेगा मरियम तुमको। ये तो बहुत बढ़िया चाकू, इसको ओपन करके बता, ये पेन कैसे ओपन होती है? ये पेन यहाँ से ओपन होती है। ओह वेरी नाइस, बढ़िया, आपका कलेक्शन तो बहुत बढ़िया। आपने सारे यूनिक आइटम सब्जी काटने काम आ सकता है और भाई बहन से लड़ाई करने में।
और ये मैंने मेरे दोस्तों और भाइयों के लिए ये वाली पेन ली है। मतलब आपने कुल मिला के सारे सारे हथियार वाले पेन ही पसंद किए, मतलब आपको ऐसी ही चीज़ें पसंद आती है क्या? मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मरियम देखो, मरियम का कलेक्शन देखो, उसने कितनी अच्छी चीज़ खरीदे है ना, बुक्स खरीदी उसने, छोटी छोटी डायरीज खरीदी है। और मैं अभी दिल्ली और जयपुर भी जाऊँगा तो वहाँ पर मुझे वो पेन मिलेगी, तो मैं वो भी ज़रूर से खरीदूँगा और उसके ब्लॉग भी बताऊँगा आपको। ओहो, मतलब आप काफ़ी सारे पेन ही पेन खरीदने वाले। और मैं भी कुछ और खरीदने वाली हूँ। चलिए, अच्छा कलेक्शन है। देखिए कितनी क्यूट सी प्यारी प्यारी चप्पल्स हैं, ये लिया हमने। और हमने कहा था कि यहाँ की अजमेर की जो फेमस एकदम फेमस मिठाई है, स्वीट्स जो यहाँ पर मिलती है वो ये है, इसको सोन हलवा बोलते हैं गाइस। तो ये लिया है हमने और अब हम इस ब्लॉग को यही ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि अब हम यहाँ से कल अर्ली मॉर्निंग निकलने वाले हैं जयपुर के लिए। तो हम अजमेर टू जयपुर की जर्नी भी आपको बताएंगे। तो आज इस ब्लॉग को हम यहीं फिनिश करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा।